हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर वन क्लासेस। टुडे अवर टॉपिक इज रीजनिंग, प्लेस वैल्यू, अपोजिट लेटर एंड कोडिंग क्वेश्चन। रीजनिंग में कोडिंग क्वेश्चंस बहुत आते हैं, जिसमें जैसे कोई वर्ड होएगा इंग्लिश का, उसका कोड वर्ड बना देंगे तो कहेंगे नेक्स्ट वर्ड का कोड वर्ड क्या होगा। तो इस तरह से हम ट्रिक्स के साथ क्वेश्चंस को करेंगे। तो बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो सबसे पहले हम कर रहे हैं ट्रिक, ठीक है। देखो इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होते हैं हमारे पास ए से लेकर जेड तक, टोटल कितने होते हैं ये, टोटल होते हैं 26, ठीक है। अब 26 लेटर का हमने कोड वर्ड सेट कर दिए हैं, ओके। सो देखो ए जो है फर्स्ट नंबर पे आता है तो ए के नीचे 1, बी 2 पे आता है तो 2, सी 3 पर है तो 3। तो ऐसे करते हुए मैंने कर दिया है कोड वर्ड सेट, ठीक है। अब हमने क्या देखना है कि ये तो इनके 26 हो गए, इनको लर्न करने की थोड़ी सी ट्रिक भी बता देंगे। जी में देखो यहाँ पर ये 7 बन रहा है, तो ये 7 हो गया। एच को अगर हम थोड़ा ऐसे और ऐसे करें, ये 8 हो गया, तो एच की वैल्यू 8 होगी। हम कहते हैं आई नो, मुझे पता है, तो आई का क्या हुआ, नो हुआ। वर्ड्स को लर्न करने की ट्रिक आगे भी बताऊंगी मैं, इसमें थोड़ा सा आप भूल भी सकते हो और वो ट्रिक आपको याद भी रहेगी, ठीक है। अब है कि जैसे कि ए का ऑपोजिट जो कि है वो जेड है, ये वाली चीज़ें भी याद रखने की है। बिकॉज ऑफ रीजनिंग में क्या है कि हम कई बार पजल हो जाते हैं कि अब इसका कोड वर्ड क्या बनेगा, तो इस ट्रिक को भी काफ़ी यूज़ होने वाला है। जैसे ए का जेड है, बी का अपोजिट वाई है, सी का एक्स है। अब इस ट्रिक को हम कैसे याद रखेंगे, हम एक कहानी बना लेते हैं और वो कहानी से हमें यकीन मानो आपको वर्ड्स याद हो जाएंगे, ठीक है। देखो ये है अजीज़, अजीज़ नाम का एक लड़का है, बॉय, ठीक है। अजीज़ नाम का एक बॉय है, उसको वो क्या है कि उसका एग्ज़ाम है ईवीएस का, ईवीएस का उसका एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम में वो क्या करता है, पढ़ के नहीं जाता, क्योंकि बच्चे कहते हैं ईवीएस का एग्ज़ाम में क्या होगा, एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ये होगा वो होगा, वो पढ़ के नहीं जाते, ठीक है। तो ईवीएस के एग्ज़ाम में वो भी ऐसे करता है कि कुछ भी पढ़ के नहीं जाता, बल्कि एग्ज़ाम में ले जाता है क्रैक्स और ड्यू। क्रैक्स और ड्यू लेके वो क्या करता है कि वहाँ पर बैठ के बस फालतू का काम, क्रैक्स खाए जा रहा है और ड्यू पी जा रहा है। क्या कर रहा है वो, फालतू के काम ही कर रहा है, ठीक है। क्रैक्स खा रहा है और ड्यू पी रहा है, क्रैक्स और ड्यू खाता पी रहा है। और उसने ईवीएस के एग्ज़ाम में बहुत कम लिखा, और जो भी लिखा ऐसे कुछ भी बकवास लिख दिया, फालतू का लिख दिया। क्यों ऐसा उसने क्यों किया, उसको क्या था, ओवर कॉन्फिडेंस, और अपने आप को समझता था वो ग्रेट। ग्रेट की समझता था उसको था कि मैंने अपनी हाईएस्ट सेकेंडरी क्लासेस जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर कर ली है, हाईएस्ट सेकेंडरी क्लास उसने अच्छे से क्लियर कर ली, इसलिए वो खुद को ग्रेट समझता था। और ईवीएस के एग्ज़ाम में वो फालतू के काम, फालतू के आंसर और क्रैक्स ड्यू खा रहा है, ठीक है, ऐसा वो करता रहा। फिर क्या हुआ, वो इंटर में ही वो हुआ फेल, फेल हो गया। तो इंटर में ही उसके माँ बाप ने कहा तेरी हम शादी कर देते हैं जंगल क्वीन से, ठीक है। जंगल क्वीन से शादी करने के लिए उसके माँ बाप ने कह दिया इंटर में। और शादी पर उसने पहना कुर्ता पजामा, शादी पर उसने कुर्ता पजामा पहना। फिर वो खुद को कहने लग गया, खुद पे हंसने लग गया, लोल मैं तो आदमी बन गया कि देखने में मैं मैन लग रहा हूँ कुर्ते पजामे में, ठीक है। अब देखो इसको याद कैसे करेंगे, अजीज़ है, अब जो मैंने वर्ड ब्लैक ब्लैक किए हुए हैं तो ये एक दूसरे के रिवर्स है, उल्टे हैं, अपोजिट है। तो अजीज़ से ए जेड होया, बॉय है बी वाई का अपोजिट होया, देखो क्रैक्स है सी एक्स का अपोजिट हुआ, ड्यू है डी डब्ल्यू का अपोजिट हुआ, ठीक है। ई वी है ई वी एस, तो ई वी का अपोजिट, फालतू काम थे तो एफ यू का अपोजिट, ग्रेट जी टी का अपोजिट, हायर सेकेंडरी एच एस का अपोजिट, इंटर आई आर का अपोजिट, जंगल क्वीन जे यहाँ पर ई को है छोटा बनाना था, देखो जंगल क्वीन जे क्या हो का अपोजिट, कुर्ता पजामा के पी का अपोजिट, एंड लॉल एल ओ का अपोजिट, और मैन एम एन का अपोजिट। इन कोड वर्ड्स को हमने क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है ताकि रीजनिंग के क्वेश्चन हम जल्दी से सॉल्व कर पाए, ठीक है। और इसके बाद है ट्रिक,
जो वर्ड है, वर्ड की नंबरिंग याद रखने की, उसका नाम है इजोटी, ई जे ओ टी वाई, इजोटी। ई आता है फिफ्थ नंबर पर, जे होता है टेंथ पर, ओ 15, टी 20 और वाई 25। ठीक है, हमने इजोटी याद रखना है और 5 की टेबल याद रखनी है बस। अब जैसे कि हमें कह दिया कि के, के किस नंबर पर आएगा, के की वैल्यू अगर पूछ लेते हैं क्या कहेंगे, जे के बाद तो के आता है तो के कौन से नंबर पे हुआ, 11। हमें कह दे कि यू की वैल्यू बताओ, टी के बाद क्या आता है, यू, तो यू क्या हो जाएगा, 21। ठीक, तो ऐसे ही अगर हमें कह दे कि जी की वैल्यू बताओ, ठीक है, जी से हमें यहाँ से भी पता चल रहा है 7 बन रहा है, जी की वैल्यू 7 है, वरना क्या करोगे, ई के बाद आता है एफ, फिर आता है जी, ई जब फिफ्थ पे है तो जी किस पर होएगा, 7th पे होगा। तो इस तरीके से हम क्या है, कोड वर्ड्स को इनके कौन से नंबर पे याद आते हैं वो याद रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ़ ई इक्वल टू 5 एंड सेफ इक्वल टू 31 देन पिंक क्या होगा, ई 5 है और सेफ 31 है, तो एस कौन से नंबर पे आता है, एक बार हम देखते हैं कि क्या इसी अकॉर्डिंग ये बना हुआ है वर्ड, पहले हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो एस कौन से नंबर पे आता है, ठीक, तो एम एन ओ, यहाँ पर आएगा पी क्यू आर एस, फिर एस के बाद आता है टी। अब वो टी से पहले अगर एस है तो एस कौन से नंबर पे हुआ, 19, तो 19 ये लिख दिया, प्लस ए तो हमें पता है फर्स्ट पे आता है, अब ई के बाद एफ आता है, ई अगर फिफ्थ है तो एफ 6 होएगा और ई की वैल्यू 5, मैंने इनकी वैल्यू पुट कर दी। अब 19 और 1 20 और 6 और 5 11, 20 और 11 31, तो यानी कि ये वर्ड के जो प्लेस वैल्यू है उनका सम है ये, तो पिंक का क्या होएगा। ठीक है, अब पी, ओ के बाद पी आता है, पी की वैल्यू होगी 16। ठीक है, आई, आई किसके बाद आता है, आई जे, है ना, आई नो, इससे भी याद रख सकते हो, तो आई की वैल्यू हुई 9। फिर एन, एन कहाँ आएगा, एम एन ओ, एन ओ से पहले एन आता है तो एन की वैल्यू हुई 14। ओके, और के, जे के बाद के आता है तो के की वैल्यू हुई 11। इनका कर देंगे हम सम। ठीक है, जैसे कि 11 और 9 20, 20 यहाँ से हुए 16 और 14 30, तो 20 और 30 कितने हुए, 50, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, 50। ठीक है, सो नेक्स्ट है, अब अगर मैथ को एस जी जेड एन लिख पा रहे हैं तो बार्क को हम क्या लिख पाएंगे, तो देखो मैथ हम यू देखेंगे कि क्या ये एस एम के थोड़ा पास है, नहीं है, दूर है, तो हम एक बार ये देखेंगे कि क्या ये इसके अपोजिट वर्ड तो नहीं है। हमने क्या देखा था कि एम ए एन है ना, तो एम एन का अपोजिट था क्या, यहाँ पर एम है तो एन भी प्रेजेंट है, बिल्कुल है ना, एम का अपोजिट जो एन है वो फोर्थ नंबर पे है, और ए है, ए हमने क्या बनाया था, अजीज। ओके, तो ए जो है जेड का अपोजिट था, तो क्या ए के साथ जेड प्रेजेंट है, बिल्कुल है, अगर यहाँ एम फर्स्ट पे है तो जेड जो एन है वो लास्ट पे है, ए स्टार्टिंग में सेकंड पे है तो जेड जो है लास्ट सेकंड है। फिर इसके बाद हमने बनाया था ग्रेट टी के लिए, जी आर ई ए टी, तो यानी कि जी के लिए टी था, तो जी और टी ये प्रेजेंट है, बिल्कुल है, ये रहा इनका। फिर हमने बनाया था हायर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी बनाया था तो एच का एस के साथ, बिल्कुल है, यानी कि ये अपोजिट वर्ड वाले बन रहे हैं। तो अब हमने बनाना है बार्क। अब जो बी है जो स्टार्टिंग में है, इसका जो अपोजिट आएगा वो लास्ट में जाएगा, बी का क्या बनाया था, बॉय, तो यानी कि बी का अपोजिट जाएगा वाई। ठीक है, फिर इसके बाद ए, ए का क्या है, अजीज, यानी कि यहाँ पर ये फर्स्ट में है तो यहाँ पर ये लास्ट में जाएगा, लास्ट सेकेंड, तो यहाँ आ गया ए का जेड। ठीक, फिर इसके बाद आर, आर का हमने क्या बनाया था, इंटर, आई एन टी ई आर, है ना, आई का उल्टा क्या था, आर, तो आर का उल्टा क्या होगा, आई, यहाँ बन जाएगा हमारे पास आई। फिर इसके बाद के, के का क्या था, कुर्ता पजामा, के से के था, के और पी का रिलेशन था, तो के की जगह यहाँ पर क्या बन जाएगा, पी, तो हमारे पास नया वर्ड क्या बन गया, पी आई जेड वाई। ठीक है, नेक्स्ट है ए का, अगर जेड ए बी सी डी है तो जेड बी एक्स डब्ल्यू क्या होंगी, देखो देखा जाए तो ए बी सी डी डब्ल्यू एक्स वाई जेड,
यहाँ पर ये वाई आएगा, ठीक है, यहाँ थोड़ी सी गलती है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर क्या होगा? देखो हम इस तरह के क्वेश्चन में अगर ज़्यादा माइंड ना लड़ाना चाहे ना, तो हम यहाँ पर ऑप्शंस भी चेक कर सकते हैं जब ऑप्शन गिवन होते हैं, क्योंकि जैसे कि ए बी सी डी है, चार अक्षरों की सीरीज है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड चार अक्षरों की सीरीज है, तो जो ऑप्शन होएगा वो भी फोर जो है लेटर्स की सीरीज ही बनेगी, लेकिन मे बी दो ऑप्शन में लेटर की सीरीज बन जाए, तो हम थोड़ी रीजनिंग ट्रिक को और भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ देखो ए ए है तो जेड है, यानी कि ए का अपोजिट जेड मिल रहा है हमें, ठीक है, बी से बॉय था, बी का अपोजिट वाई मिल रहा है, सी से क्रैक्स बन रहा था, सी का अपोजिट एक्स बन रहा है, और डी से ड्यू बन रहा था, डी का अपोजिट डब्ल्यू है, ठीक। तो अब यू देखते हैं कि अब ये भी क्या है, ये ए फर्स्ट पे है तो उसका अपोजिट भी फर्स्ट पे है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर जो आएगा वर्ड वो भी क्या होगा, फोर लेटर का होगा, ठीक। तो के है, के का अपोजिट क्या था, पी, कुर्ता पजामा, तो यहाँ आएगा पी। जे, जे का अपोजिट क्या था, जे का अपोजिट हमारे पास जंगल क्वीन, तो क्योंकि उसने जंगल क्वीन से उसकी शादी करनी थी, तो जे का अपोजिट क्या था, क्यू, तो यहाँ पर आ जाएगा क्यू। अब हम समझ ही चुके हैं कि पी क्यू, तो यहाँ पर आर एस ही बनेगा, क्योंकि ये सीरीज बन रही है, और आई का अपोजिट देखो तो इंटर से आर, और एच का अपोजिट हाईएस्ट सेकेंडरी, तो हमारे पास ये अपोजिट वर्ड्स ये आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर गार्डन को ये लिखा जा रहा है, वाटर को ये लिखा जा रहा है, तो वार्डन को क्या लिखा जाएगा, कुछ भी नहीं करना आपको, बस वर्ड की कोडिंग ध्यान रखनी है, ठीक है। देखो इसके अंदर आ रहा है डब्ल्यू, ठीक है, यहाँ पर W है, तो W के नंबर पे जगह पहला नंबर क्या है, 9, तो मैंने ये लिख दिया 9। अब यहाँ A, A है इधर, तो A की जगह यहाँ पर भी 2 है, और यहाँ भी A की जगह 2 है, तो इसका मतलब इधर भी A की जगह क्या आएगा, 2। फिर उसके बाद बात आ रही है R की, है ना, R, यहाँ पर R लास्ट में है, तो इसकी जगह 5 है, यहाँ पर R थर्ड पे है, यह भी 5 है, तो इधर भी क्या बनेगा ये 5। फिर आता है D, डी यहाँ पर फोर्थ नंबर पे है और उसकी वैल्यू है 7, तो इधर भी डी की वैल्यू क्या बनेगी, 7। फिर आती बारी ई की, डी के बाद ई है, ई की वैल्यू यहाँ पर 6 बन रही है, ये ई और ये 6, तो यहाँ पर भी ई की वैल्यू लिख दी 6। और एन, एन की वैल्यू क्या है, 4, तो ये लिख दिया 4, तो 9 2 5 7 6 4, यानी कि ऑप्शन ए क्या बनेगा, करेक्ट। अगर रीजन को 5 लिखा जा रहा है, बिलीव्ड को 7 लिखा जा रहा है, तो गवर्नमेंट को क्या लिखा जाएगा, तो इसके अंदर आप क्या करोगे, देखो हर वर्ड का कोड वर्ड नहीं है, सिर्फ एक वर्ड दे दिया, इसका मतलब इनकी काउंटिंग हो सकती है ये, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 जो है वर्ड है और 5 यहाँ पर आंसर दिया है, यानी कि जो जितने वर्ड है उसमें से 1 माइनस आंसर दिया है, 6 माइनस 1 5। बिलीव में चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 तो इसके अंदर लेटर्स हैं, लेकिन आंसर 7 है, तो 8 माइनस 1 करके 7 दिया है। अब गवर्नमेंट का चेक करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 10 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 9, तो ऑप्शन सी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर मेंटल को ऐसे लिखा जा रहा है, तो 10 कैसे लिखा जाएगा, तो देखो टी, टी के लिए वर्ड क्या बन रहा है, फोर्थ नंबर पे टी है, तो फोर्थ नंबर पे यहाँ पर है 2, टी के जगह आ गया 2, 10 को 10 का टी 2 ले लिया। अब ई, ई क्या है, सेकंड नंबर पे, यहाँ पर सेकंड नंबर पे है 1, तो ई की जगह आ गया 1, ठीक है। और टी एन, एन क्या है, थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर पे है ये 7, तो यहाँ आ गया 7, तो 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 1 7। अंट को क्या लिख सकते हैं, अब ए ये रहा, और ए की जगह क्या है 5, तो 5, एन की जगह क्या था 7, और टी की जगह क्या था 2, तो 5 7 2 हम अंट को लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल टू 1, फैट इक्वल टू 27, देन फेंट इक्वल टू क्या होगा। ए वन है तो फैट, इजोटी वाले ट्रिक को याद रखो, इजो टी, ई फिफ्थ पे था, जे 10, ये 15,
20 एंड 25। अब देखो एफ ई के बाद एफ आता है ना, एफ की वैल्यू कितनी है 6, ए की 1 और उसके बाद टी, टी की कितनी है 20, तो इनका सम करेंगे कितना बनता है 27। इसका मतलब फेंट जो है, फेंट का भी सम आएगा, ठीक। एफ ई के बाद एफ आता है तो एफ की वैल्यू कितनी हुई 6, फिर ए, ए की वैल्यू कितनी हुई 1, ठीक है, फिर आई, आई नो, हम कहते हैं ना आई नो, मुझे पता है, तो आई की वैल्यू कितनी हुई 9, यानी कि 9। फिर इसके बाद एन, एन की होती है 14, और या देखो एम एन ओ, ओ से पहले एन नहीं आता है तो एन की वैल्यू हुई 14। और फिर इसके बाद टी, टी की दिख रही है 20, ठीक है, इनको कर दो ऐड, तो ऐड करेंगे ये 6 और 14 20, 20 और 20 40, 40 और ये 10 50, यानी कि ये हो गया 50। फेंट को क्या लिख सकते हैं 50, ऑप्शन डी हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है इफ गिगेंटिक को हम लिख पाते हैं गिग 10 की, तो मिरेकल्स को क्या लिख पाएंगे। तो देखो इसके अंदर क्या रिलेशन बन रहा है वो चेक करेंगे। ये जी है तो यहाँ पर भी जी है, जी आई जी, पहले तीन डिजिट्स जो सॉरी लेटर है वो सेम है, तो इसका मतलब इसके अंदर भी पहले तीन लेटर सेम होंगे एम आई आर, इतना हो गया। फिर उसके बाद देखो कि जो ए है, ए फोर्थ नंबर पे था और यहाँ पर ए फिफ्थ नंबर पे आ गया, यानी कि यहाँ पर फोर्थ नंबर की जगह ए ने छोड़ दी और वो आ गया फिफ्थ नंबर पे, तो यहाँ पर भी फोर्थ नंबर पे ए है, वो क्या आ जाएगा अपने फिफ्थ नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद एन, ए के बाद एन, ए एन एन की इकट्ठी ही है, तो इसका मतलब ए के बाद जो ये सी है ये भी इकट्ठे रहेंगे, तो ये आ गया सी। फिर क्या आई बारी टी की, अब जो जिस जो जगह छोड़ी थी वो ले ली टी ने, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट वर्ड ने जगह ले ली, या एक यहाँ पर जो ए ने जगह छोड़ी थी फोर्थ नंबर पे वो टी ने ले ली, है ना। तो यहाँ पर सी के बाद क्या आ रहा है एल, एल ने क्या की जो जगह छूटी हुई थी वो ले ली एल, ठीक है। फिर इसके बाद आई और सी है, आई सी को कर दिया उल्टा सी आई, तो यानी कि इसमें जो ई एस है ई एस को कर देंगे उल्टा एस ई, ठीक है। तो यानी कि मिरेकल्स को हम ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। हमने क्या करना है लेटर के क्या वैल्यू चेंज हो रही है, कौन सी प्लेस वैल्यू चेंज हो रही है, उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, आपको अगर समझ आया अच्छे से वीडियो में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, पसंद आए तो लाइक करना, ना पसंद आए तो डिसलाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर अवर यूट्यूब चैनल। बाय बाय।